gave the remission. It has gone to the Supreme Court. It is going to be heard again by CJI Ramana. राजदीप सरदेसाई के साथ बातचीत करते हुए खुशबू की है। खुशबू जो कि साउथ की एक्ट्रेस रही हैं, जाना माना नाम रही हैं, साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन भी रही हैं। पहले खुशबू सुंदर कांग्रेस में थीं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप दोषियों की रिहाई का मामला जो है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जल्दी सुनवाई के लिए। 27 फरवरी 2002 को ये गोधरा का कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जघन्य हत्याकांड। On February 28, 2002, violence engulfed Godhra. At the time, Bilkis was visiting her father's home in Randikpur village, Dahur district. Fearing trouble, the family along with many others fled the village, looking for safe refuge. They would not find it, for on the afternoon of March 3rd, a gang of 30 men descended on her family. 14 members of Bilkis's family were murdered, including a mother, her two sisters, her youngest daughter's head smashed on the rocks. Bilkis was 5 months pregnant, but raped by 3 men and left for dead. Miraculously, she survived, and so did the child, born 4 months later in a refugee camp in Godhra. जिसमें कार सेवा करके अयोध्या से लौट रहे लोगों को जला दिया गया था ट्रेन के डब्बे के भीतर। उसके बाद उसी की श्रृंखला में 3 मार्च 2002 को 20-30 लोगों ने, चूंकि बिल्किस बानो अपने घर से दूसरी जगह चली गई थी, तो 20-30 लोगों ने इकट्ठा होके उनके ऊपर एक तरह से अटैक किया। उस वक्त वो 5 महीने के गर्भ से थी, परिवार के सदस्यों की हत्या भी हुई थी। तो ये तमाम लोग जिनको सज़ा मिली हुई है ये उसी के तहत हैं, और 2008 में ये सारे लोगों को दोषी पाया गया था। ये सीबीआई की अदालत ने इनको दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इन दोषियों ने 18 साल से ज़्यादा की सज़ा काट ली है। अब इसी संबंध में एक्चुअली राधे श्याम शाही ने धारा 432 और 433 के तहत सज़ा को माफ़ करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उनकी माफ़ी के बारे में फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र, क्योंकि उनका केस महाराष्ट्र में चला था। अब फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफ़ी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था, और इसी को लेते हुए गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया। खुशबू जो हैं उनका ये कहना एक हिसाब से पार्टी, वो अपने बातचीत में स्पष्ट कह रही हैं कि ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो महिला हैं। What about these so-called opposition who have been jumping at the drop of a hat and sitting for dharna, who have been talking about it and from the rooftop screaming about injustice being meted out? Where are those opposition party leaders? और तमाम तरह की ऐसी चीज़ों के कि जिसमें कि सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सवालिया निशान खड़े करते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर तमाम लोगों के ऊपर इस बात के प्रश्न उठा दिए हैं।